हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, और हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे किसी फलन का समाकल निकाला जाता है। आगे जो आपकी एक्सरसाइज आने वाली है उसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा ही समाकल निकालने वाले हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करने वाले हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं टेन एक्स के समाकल की, टेन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, या एक और होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं। हमें निकालना है इंटीग्रेशन टेन एक्स का, तो मैं इसे साइन एक्स बटा में कॉस एक्स लिख सकता हूं, टेन एक्स को लिख सकता हूं ना। अब यहां पुट करते हैं कॉस एक्स के जगह पर टी, कॉस एक्स के जगह पर क्या पुट करते हैं टी। चलिए मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का माइनस का साइन हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और बराबर में डी टी बटा में डी एक्स। तो यहां से आपका साइन एक्स डी एक्स बराबर में हो जाएगा माइनस का डी टी। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं साइन डी माइनस का डी टी और बटा में कॉस एक्स को यहाँ पे टी। चलिए तो यहां से माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूं तो डी टी बाई टी यानी लॉग टी हो जाएगा, माइनस का लॉग टी प्लस सी, वापस से टी का वैल्यू रख दो कॉस एक्स, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला आ गया। तो आप कहोगे कि सर ये तो ला दिए, ये कैसे लाओगे? मैं इसी से ला दूंगा ना। देखो अब इसे या ऐसे चेंज करना है, क्या करेंगे हम लोग, माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं ना कि लॉग में पावर में ये चला जाता है, तो यह इस तरह से हो जाएगा कॉस एक्स का पावर माइनस वन और फिर प्लस सी, तो ये नीचे आ जाएगा लॉग क्या हो जाएगा वन बाई कॉस एक्स हो जाएगा, तो वन बाई कॉस एक्स सेक एक्स हो जाता है ना जी, तो ये बन जाएगा सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस। तो यहां से देख लिए कि आपका यह भी फॉर्मूला है और यह भी फॉर्मूला, तो आप याद रखेंगे कि अगर टेन एक्स यहां पे है उसका समाकल की बात करेंगे तो उसका समाकल हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। समझ गए, समझ गए ना। चलिए अगला फॉर्मूला प्रूव करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कॉट एक्स के लिए, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स। तो कॉट एक्स का जो समाकल हो जाएगा ना यहाँ पे उसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स, या एक और होता है इसका माइनस का लॉग कॉसेक एक्स भी होता है, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी या माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है इसको भी प्रूव करना। मैं यहां पर लेता हूं, हमें इंटीग्रेशन निकालना है कॉट एक्स का, यहाँ पे इसको मैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब सीधे पुट कर दूंगा साइन एक्स के जगह पर टी, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा ना कॉस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए देखते हैं, ऊपर आ जाएगा डी टी और नीचे साइन एक्स को टी कर दिए, तो ये आपका लॉग टी हो जाएगा ना जी, लॉग टी प्लस सी। अब वापस से यहाँ टी का वैल्यू रख दो लॉग साइन एक्स प्लस में सी। अब कहोगे कि सर ये दूसरा वाला कैसे आएगा, तो ये भी बड़ा आसान है लाना। हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉग इसे वन बाई कॉस एक्स कर देंगे, साइन एक्स को कर सकते हैं ना, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऐसे आ जाएगा कॉस एक्स का पावर माइनस वन, इस तरह से हो जाएगा, पावर नीचे उतर जाता है यानी कि माइनस वन यानी इंटू होगा तो माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो यह भी फॉर्मूला हो गया और यह भी फॉर्मूला होगा। तो आपको याद रखना होगा कि जो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, समाकल होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, वह होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी या माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सेक एक्स का भी नहीं देखे ना, तीन नंबर सेक एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो होता है ना वह हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका एक और फॉर्म होता है प्लस सी, एक और होता है लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए इसका समाकल निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, हमें यह प्रूव करना है। आप देखो मैं एक काम करता हूं, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, बैलेंस हो गया। चलिए अब देखो ऊपर इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां पे सेक स्क्वायर एक्स
ठीक है, और प्लस में sec x tan x, और नीचे है आपका sec x प्लस tan x dx। मैं नीचे जो sec x tan x है, देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यहाँ पे देखो, अगर मैं sec x tan x को, sec x प्लस tan x को t पुट करूंगा तो डिफरेंशिएट करके देखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर में dt बटा dx, यानी कि यहां से आ जाएगा sec x tan x प्लस में sec स्क्वायर x dx बराबर में dt। तो यही ना ऊपर है, ऊपर तो आपका dt हो गया और नीचे आपका t हो गया, यानी log t प्लस में c, t का वैल्यू यहाँ पे sec x प्लस tan x है, वापस यहाँ रख दो, यानी कि हो जाएगा log sec x प्लस में tan x। अच्छा एक और ट्रिक से देखो, मैंने आपको याद है बता रखा था कि अगर कोई फंक्शन नीचे हो जिसका अवकलज ऊपर हो, डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो सीधे आप उसे log f x इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी तो देख रहे हैं ना जी, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नीचे जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो मैं सीधे चाहता इसे log sec x plus tan x भी लिख सकता था ना, आगे चल के हम लोग ये यूज करेंगे क्योंकि इतना हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पे sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है log sec x plus tan x plus। अच्छा इसको चाहो तो आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, अब देखो मैं एक काम करता हूं, इसे मैं 1 बाई कॉस एक्स लिख देता हूं, दूसरा फॉर्म इसका दिखा देता हूं मैं आपको, इसको साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, एलसीएम लेते हैं यहां पे, ठीक है, लॉग अंदर एलसीएम लोगे तो यहां पे कॉस एक्स हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स प्लस सी। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ना आपका cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे जो होगा ना यह हो जाएगा cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखिए, log ऊपर वैसे ही रहने दो, cos x by 2 प्लस है प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में दे सकते हैं ना, स्क्वायर में है तो, चलिए cos x by 2 minus sin x by 2 और इनटू में cos x by 2 plus sin x by 2 ऐसे लिख सकते हैं, यह एक बार कट जाएगा। आपको याद है मैंने बता रखा है जब ऐसे cos sin में रहता है तो tan में लाने के लिए हम लोग cos से भाग करते हैं, ठीक है, तो इसको cos से भाग करेंगे आंसर हर में, हर एक टर्म में, ठीक है, cos x by 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, cos x by 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, log हर एक जगह यहाँ cos x by 2 बटा में cos x by 2 प्लस sin x by 2 बटा में cos x by 2, चलिए नीचे भी उसी तरह से cos x by 2 बटा में cos x by 2 माइनस sin x by 2 बटा में cos x by 2 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में सी, ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 1। चलिए आपका आ गया log, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan x by 2 बटा में 1 माइनस tan x by 2। चलिए अगले स्टेप में देखो, मैं एक काम करता हूं, अब यहां पर इसे 1 को tan pi by 4 लिख सकता हूं ना, tan pi by 4 बराबर 1 होता है, tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो tan pi by 4 प्लस में tan x by 2 और बटा में, यहां नहीं लिखूंगा 1 माइनस tan pi by 4, इसके इंटू में दे सकते हैं ना, क्योंकि 1 इंटू करेगा तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, और इंटू में tan x by 2 प्लस सी, तो ये फॉर्मूले पे सेट हो गया, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला हो गया log, यहाँ पे हो जाएगा tan pi by 4 प्लस में x by 2 प्लस में सी, यानी कि हमने फाइनली हमने दिखा दिया कि sec x का जो समाकल होता है वह दो तरीके से हो सकता है, एक log sec x प्लस tan x ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस c, या एक ये हो सकता है log tan pi by 4 प्लस में x by 2 और प्लस में c, तो दोनों जैसा जरूरत होगा हम लोग यूज करेंगे आगे। चलिए एक और फॉर्मूला बच गया 4 नंबर, cosec के लिए, cosec x के लिए,
कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, समाकल होगा, वह क्या होगा? इसका होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कॉसेक एक्स, इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा, उसको बाद में देखा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ, कॉसेक एक्स में ऊपर इंटू करता हूँ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूँ कॉसेक एक्स और फिर माइनस कॉट एक्स से, ऊपर नीचे दोनों जगह। ऊपर इंटू करिए तो हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और बटा में है आपका कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स। अब देखो मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, यहाँ देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा। देखो कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक माइनस पहले से ही है तो प्लस में आ जाएगा। यानी कि देख रहे हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा। तो मैं सीधे इसे अब कहूं कि लॉग, इसे मैं सीधे लिख देता हूं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कि सर आपने तो बता ही दिया है हमें कि अगर कोई फंक्शन नीचे हो और फंक्शन का अवकलज ऊपर हो तो उसका समाकल जो होता है सीधे लॉग इनटू वह फंक्शन हो जाएगा। मैंने बता रखा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी कर सकते हैं ना, समझ में आ गया ना अब ट्रिक आपको। चलिए अब हम इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। हमने तो ये दिखा दिया कि यहाँ से कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकल होता है, वो होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा दूसरा फॉर्म इसका देख लेते हैं, एक और फॉर्म हो सकता है लॉग, इसे वन बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी दूसरा देखिए कॉट है तो कॉट को हम लोग कॉस एक्स बटा में साइन एक्स लिख सकते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, लॉग या एलसीएम लेंगे साइन एक्स, यहां आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए यहां देखो लॉग वन माइनस कॉस एक्स का होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका साइन एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस। देखो यहां देखो सिंपल, आप देखो साइन से एक साइन कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो साइन बटा कॉस टेन ना हो जाएगा लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस। तो हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स जो है दो तरीके से हो जाएगा, एक माइनस का सॉरी एक लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा जो है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ये दो फॉर्मूले इसके निकल के आ रहे हैं। तो आपने जो अभी तक फॉर्मूले देखे, ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, और पीछे के सारे फॉर्मूले, टोटल इंटीग्रल इंटीग्रेशन के जितने भी आपके फॉर्मूले थे वो सारे के सारे याद होने चाहिए, डिफ्रेंसिएशन के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी आप आगे के एक्सरसाइज बना पाएगा। ये नहीं सोचना कि सर इसमें चार फॉर्मूले बताया तो चार का ही यूज होगा, नहीं भैया, पूरा जितना इंटीग्रेशन का बताया है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, सारे फॉर्मूले याद करने होंगे तभी आपको आगे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना होगा। तो आगे एक्सरसाइज जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आपको फॉर्मूले तो सारे याद करने होंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं जितना मैंने बता दिया वो सारा याद करना होगा तभी जाके आप आगे क्वेश्चन बना पाएगा, वरना एक भी क्वेश्चन आपसे हिलने वाला नहीं है और आपको लगेगा कि मैथ्स लेकर हम बेकार कर दिए। तो आपको मेहनत तो करना होगा जी, आप सही से पढ़ना चाहते हो तो मेहनत भी सही से करना होगा, अच्छे से आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबका प्रूफ याद होने चाहिए, सबका रिलेशन याद करें। देखो मैथ्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ में आपको ध्यान क्या देना होगा, पहले तो मैथमेटिकल जो भाषा होती है ना उस भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो भाषा का ज्ञान कभी होगा जब हर एक चीज आपको क्लियर हो, हर एक चीज, हर एक बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो, हर एक चीज की परिभाषा जानते हो, ताकि जो कथन दिया हो उस कथन के अनुसार उसमें आप अपना सामंजस्य स्थापित करके उसके मीनिंग समझ सके। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और मैथमेटिकल लैंग्वेज का ज्ञान तभी होता है जब आपको सारे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूं, मैं कहता हूं कि त्रिभुज के, छोटा सी बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है, मैंने ऐसा कहा। तो आपको ये समझने के लिए त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज होता क्या ये ज्ञात होना चाहिए, कोण क्या होते हैं, योग का मतलब क्या है और इनमें आपसी संबंध क्या हो रहा है, ये हमें ज्ञात करने के लिए हमें इन सब की परिभाषा पता होनी चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी ना। तो उसी तरह से आप जो भी आगे क्वेश्चन बनाओगे, है ना, इंटीग्रेशन का, चाहे आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका हर एक चीज का पहले से आपको ज्ञान होना चाहिए, हर एक बेसिक चीज का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप आगे क्वेश्चन बना पाओगे। और मैं आपको बता देता हूँ, यह इंटीग्रेशन तक ही नहीं सीमित है, आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे, है ना, जितने भी आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, सारे फॉर्मूले। देखो ना, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं हो रहा है, तो सब कुछ याद करना होगा। अभी तक जितना भी पीछे पढ़ चुके हैं वो सब कुछ याद होगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो इसके बाद आपका रोना धोना शुरू हो जाएगा कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आएगा भी नहीं जब तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं ऐसे आज फॉर्मूले ही बता रहा हूँ, आगे आप लोग सारे फॉर्मूले याद करके आओगे कल की क्लास में। अगली क्लास में हम लोग आगे आपको सारा आगे का क्वेश्चन तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप फॉर्मूले याद करके आओगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको बता दें कि सीधे डिस्क्रिप्शन में जाने पे आपको सारे वीडियो, सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपको नोट्स डाउनलोड करना होगा तो सीधे www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप वहां से बड़े ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।